ट्रेंट जेट एयरवेज जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है और उसके लिए केवल सिनर्जी ग्रुप ने ही बोली लगा रखी है। आपको बता दें कि सिनर्जी ग्रुप को दिए गए टाइम के भीतर बोली सबमिट ना करने पर एनसीएलटी ने 19 नवंबर को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग का अपडेट हम आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाए। फ्रेंड्स 19 नवंबर को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई रेजुलेशन प्रोफेशनल आशीष छछरिया की निगरानी में, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि सिनर्जी ग्रुप को अपना रेजुलेशन प्लान सबमिट करने के लिए और टाइम देना है या नहीं। आपको बता दें कि जैसे जैसे जेट एयरवेज के रेजुलेशन प्लान डिले हो रहा है, वैसे वैसे जेट के असेट्स की वैल्यू भी कम होती जा रही है, क्योंकि जेट के खाली पड़े एयरक्राफ्ट अभी भी जैसे के तैसे एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में खड़े हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन उसके रेंट का बोझ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पर बढ़ रहा है। तो अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये डिसीजन लेना है कि वह सिनर्जी ग्रुप को और अधिक टाइम देना चाहते हैं या नहीं। इस मीटिंग में इन सारी बातों पर चर्चा हुई और फाइनली कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को 2 दिन का समय मिला है इस बात का डिसीजन लेने के लिए। लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बात कंफर्म है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सिनर्जी ग्रुप को अपना रेजुलेशन प्लान सबमिट करने के लिए 3 से 4 वीक का और टाइम दे सकते हैं, लेकिन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपना फाइनल डिसीजन 21 नवंबर को ही देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।